Hi everyone, welcome back to my channel Parif Habistral. I hope all are doing well. Today I'm gonna share with you guys my winter essential baby haul part 2, क्योंकि part 1 मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर में एंड आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर किया है विंटर एसेंशियल हॉल फॉर 6 मंथ बेबी. एंड इस पार्ट 2 में थोड़ा बहुत चीज़ें जो मेरा डिलीवरी नहीं हुआ था उस टाइम में, उसको मैं शेयर करूँगी. तो पार्ट 1 आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है एंड उससे बड़ा भी है तब चेकआउट कर सकते हैं. बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तब जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ. फर्स्ट आई बॉट दिस बूट्स, एंकल लेंथ बूट, एंड इसमें लेस डिटेलिंग है. एंड दिस इज़ फ्रॉम हॉपस्कॉच एंड इसका प्राइस है 950. एंड सारे प्राइस जो है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप लेना चाहे तो. एंड दिस इज द कलर व्हाइट. तो ब्लैक एंड व्हाइट जो बेसिक कलर है वो आप दो कलर बेबी के लिए लेके रख सकते हैं, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक एक बेसिक कलर है तो सारे ड्रेस के साथ ईजिली चला जाता है. एंड इससे मैंने अभी एक ब्लैक भी ऑर्डर किया लेकिन वो डिलीवरी के इशू की वजह से अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है कि हॉपस्कॉच का डिलीवरी बिल्कुल भी ठीक ठाक डिलीवरी नहीं है, तो थैंक गॉड ये मुझे 7 to 8 days में रिसीव हो गया, लेकिन ब्लैक अभी तक रिसीव नहीं हुआ. एंड उसको ऑर्डर करवाए आई थिंक मुझे 10 to 15 days हो चुके होंगे एंड अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ. पता नहीं कब तक रिसीव होगा, इसलिए मैंने इसको हॉल को शेयर कर दिया. जब ब्लैक शूज आएगा तो उसका पिक्चर जो है मैं इंस्टाग्राम में शेयर कर दूँगी. एंड इस डिलीवरी जो है मुझे 7 to 8 days में रिसीव हो गया था, लेकिन हॉपस्कॉच का डिलीवरी बहुत ही डिले डिलीवरी. इसमें मेरे बेबी का साइज़ है 12 to 15 months एंड इससे छोटा साइज़ का जो बूट था अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा साइज में लिया, क्योंकि बेबी तो अभी बड़ा हो रहा है ना, तो थोड़ा सोच समझ कर चीज़ें लेने पड़ते हैं कि थोड़ा बड़ा हो तो भी चल जाए, तो इंडियन मॉमी सोचना पड़ता. एंड नेक्स्ट आई बॉट दिस ब्यूटीफुल सेट फ्रॉम फर्स्ट क्राई. दिस इज़ ब्रांड कॉल्ड कुकी किड एंड इसका प्राइस है आई थिंक 1560 या 1540, एग्जैक्ट प्राइस है स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी मैं. एंड इसमें मेरे बेबी का साइज़ है 9 to 12 months एंड दिस इज़ स्वेट जैकेट, हुडेड स्वेट जैकेट एंड दिस इज द कलर रेड. एंड मैंने इसको क्रिसमस के लिए लिया है. इसको मैं जब पहनाऊंगी तो इसका पिक्चर भी इंस्टाग्राम में अपलोड करूंगी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है परी फैब स्टाइल. एंड इट्स कम विद जैकेट एंड एक ब्यूटीफुल प्रिंटेड जैकेट है बेज कलर का है. एंड इसमें नेवी ब्लू ग्रीन ऑरेंज का प्रिंट किया हुआ है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक है जब मैं इसको पहनाऊंगी. एंड तो उसका पिक्चर डेफिनेटली शेयर करूँगी. इसको आप व्हाइट बूट के साथ अपने बेबी को पहना सकते हैं, इसलिए मैंने एक व्हाइट बूट लिया है. एंड इसके साथ एक है जीन्स एंड नीचे इस तरीके का डिटेलिंग किया हुआ है जिसमें बहुत बेबी का बहुत ही कूल लुक आएगा इसके साथ. एंड इसका पिक्चर मैं अभी यहाँ पे लगा दूँ. आई लव दिस सेट, ब्यूटीफुल सेट. एंड इस पैंट में हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, अगर बेबी का बर्थडे है तो आपको इजीली काम आ जाएगा. एंड नेक्स्ट आई बॉट दिस वूलन कैप एंड दिस इज़ ब्रांड कॉल्ड बेबी हग. इसमें एक डॉग का पैच किया हुआ है एंड इसके साथ एक मफलर भी आया है. इसके साथ मिटन भी है एंड इस मिटन अभी इस साल तो काम नहीं आएगा बेबी को, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है अभी 8 months का है, तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली काम आ जाएगा. एंड मफलर भी डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर काम आएगा. एंड इस साल आई थिंक कैब जो है इसी साल काम आएगा, क्योंकि ये ठीक ठाक साइज है. नेक्स्ट ईयर जो है वो बड़ा हो जाएगा तो ये काम नहीं आएगा. बहुत ही वार्म कैप है ये, इसके अंदर फॉर डिटेलिंग किया हुआ है. एंड इसमें मेरे बेबी का साइज़ है 6 to 12 months एंड वो इसके लिए परफेक्ट साइज़ है. डेट्स का प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आपको एंड ये सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आई बॉट दिस फीडिंग बोल एंड इसके साथ स्पून भी अटैच है. एंड इस फिटिंग बोल मैंने इसलिए लिया है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आपको बेबी के लिए हमेशा एक जो है बोल कैरी करना पड़ता है विथ स्पून. तो आप इस तरह का एक बोल ले सकते हो जिसमें स्पून अटैच हो. इसमें स्पून अटैच है एंड इसका कवर भी है. इस तरीके का आप स्पून एंड फिटिंग बोल ले सकते हो. हैंडी है, आप इसीलिए हैंड बैग में कैरी कर सकते हो बेबी के लिए. एंड सबसे अच्छा जो पार्ट इसका इलाज है, ये BPA फ्री है, जो कि डेफिनेटली बेबी का कोई भी फीडिंग बॉटल हो, फीडिंग बोल हो, लेने के पहले हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है BPA फ्री है या नहीं. तो सबसे अच्छा थिंग मुझे लगा कि BPA फ्री है, ट्रैवल फ्रेंडली. एंड इसको मैंने लिया 250 या 200 का, बहुत ही रिजनेबल है. तो इस तरीके का फिटिंग बोल आप बेबी के लिए एक ले सकते हो और बहुत ही क्यूट है.
एंड नेक्स्ट आई बॉट दिस कम्फर्टर फॉर बेबी एंड दिस इज़ फ्रॉम अमेजोन एंड इसका प्राइस आई थिंक 500 के अराउंड ही है। एग्जैक्ट प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड दिस इज़ रिवर्सेबल तो आप आपको दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हो। इस साइड पे है एक्वा ब्लू एंड इस साइड में लेमन येलो कलर काइंड ऑफ है। एंड दिस कम्फर्टर इज़ परफेक्ट फॉर ऑल सीजन, मतलब आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही वार्म है एंड समर में इजिली आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एसी में बेबी को रख रहे हो तो। एंड दिस इज़ फॉर बेबी, इसमें लिखा हुआ था कि 0 to 8 ईयर्स तक, बट मुझे लगता है 8 ईयर्स तक काम नहीं आएगा, 0 to 5 ईयर्स तक काम इजिली आ जाएगा। एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एंड बहुत ही कोजी कम्फर्टर है एक तो। जो है इसका लेंथ है 65 इंचज़, जो कि 5 ईयर्स तक काफ़ी है। एंड दिस इज़ इट फॉर टूडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक डिट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन टू माई नेक्स्ट वीडियो।